कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों गरीब मजदूर रोजमर्रा के काम करने वाले ठाणे शहर की सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो गए, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। इन गरीब जरूरतमंदों को महाराष्ट्र राज्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सभी नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ठाणे दादा कोड़देव स्टेडियम में पुलिस प्रशासन की मदद से डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है, जहां मंत्री एकनाथ शिंदे मौके पर पहुंचकर इन गरीबों की स्थितियों परिस्थितियों की जानकारी ली और इन जरूरतमंद गरीबों को अपने हाथों से भोजन चद्दर टावल वितरित किया। थाने से HNI लाइव हर खबर के साथ। लॉकडाउन में जो अन्य जिलों में से और अन्य राज्यों में से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए थे, उनकी थोड़ी सी दिक्कत हुई है और इसलिए जो फुटपाथ पर थे, जो रास्ते पे थे, उनको यहाँ पर ये स्टेडियम में रखा गया है और यहाँ पर रहने की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनके दवाई की व्यवस्था, ये सब यहाँ पर की गई है। इनके मेडिकल चेकअप भी हुआ है और यहाँ पर ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है और कोई भी ऐसा बीमार व्यक्ति नहीं है। इनकी बार बार चेकअप भी होगा और जो भी लोग यहाँ रहते हैं उनकी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी।